सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल संजीव मिश्रा को और प्रेस करिए बेल आइकॉन पर हर तरह के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 136 किलोमीटर दूर अवस्थित बसना एक बेहद ही खूबसूरत टाउन है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव आज आपके साथ भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में अवस्थित एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर बसना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व में भूकेल, पश्चिम में संकरा, उत्तर में रसोदा, दुरुगपाली, टुकड़ा बाड़ा और दक्षिण में दूधी पाली से घिरा हुआ बसना शहर एक जनगणना शहर है, जिसके अंतर्गत 101 ग्राम पंचायत और 216 पॉपुलेटेड विलेजेस आते हैं। दोस्तों, बसना टाउन के नजदीकी शहरों में महासमुंद, बलौदा बाजार और शक्ति सिटी मुख्य रूप से शामिल है। ये खूबसूरत जगह महासमुंद जिला और बरगढ़ जिला के बॉर्डर पर सिचुएटेड है। बात अगर डेमोग्राफी की करें तो मैं आपको बता दूं कि बसना तहसील की कुल आबादी 175,617 है, जिसमें से पुरुषों की आबादी 86,852 और महिलाओं की आबादी 88,765 है। वहीं यहां का लिंगानुपात 1,022 महिला प्रति 1,000 पुरुष है। दोस्तों, बसना की 12% आबादी 6 साल या उससे कम उम्र की है। धर्म के आधार पर जनसंख्या विभाजन करें तो बसना शहर में हिंदू धर्म के लोग 97.63%, मुस्लिम धर्म के लोग 1.55%, जबकि बाकी के अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, बसना में रहने वाले कुल परिवारों की संख्या 42,805 है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार बसना के 5.9% लोग शहरी क्षेत्रों में जबकि 94.1% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। दोस्तों, बसना शहर का साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर के मुकाबले थोड़ा सा अधिक है, क्योंकि यहाँ की कुल साक्षरता दर 69.8% है, जिसमें से पुरुषों की साक्षरता दर 80.4% जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 59.51% है। दोस्तों, बसना में पढ़ाई के लिए काफी अच्छा माहौल है, क्योंकि आए दिन यहां पर स्कूल्स और कॉलेजेस खुलते जा रहे हैं। फिलहाल बसना के कुछ प्रमुख शिक्षण संस्थानों में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज बसना, लेट जयदेव सतपति गवर्नमेंट कॉलेज, आदित्य रेसिडेंशियल स्कूल, शिशु मंदिर, जेएम हाई स्कूल कुलिया बांधा आदि मौजूद है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बसना में कश्यप हॉस्पिटल, पटेल चिकित्सालय, बेथल क्लिनिक और लेडी हॉस्पिटल के साथ साथ कई सारे पीएचसी और सीएचसी भी मौजूद हैं। बसना के बारे में ये कहा जाता है कि नरसिंहनाथ बसना से केवल 47 किलोमीटर की दूरी पर है। ये वही स्थान है जहां राम और सीता ने अपना 14 साल के वनवास एक जंगल में रहने के दौरान अपना समय बिताया था। लोगों का यह भी दावा है कि महाभारत काल के दौरान पांडव भी यहां रुके थे। नरसिंहनाथ पीठ आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों के धार्मिक और सांस्कृतिक संश्लेषण का एक उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। दोस्तों, बसना में यूं तो कई लोकल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, परंतु यहां की मुख्य भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी है। बात अगर इकोनॉमी की करें तो मैं आपको बता दूं कि बसना शहर के अधिकतर लोग कृषि या संबंधित क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बसना की कुल आबादी में से 82,711 लोग कार्य से जुड़े हुए हैं, जिसमें से 63.4% लोगों के पास रोजगार है या फिर वे 6 महीने से कमा रहे हैं, जबकि 36.6% लोग 6 महीने से कम के अंतराल से अपनी जीविका चला रहे हैं। तो दोस्तों, बसना शहर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें। और अगर अभी तक आपने हमारा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिसमें मैं आपको टेक्निकल वीडियोस के बारे में बताता हूँ, तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।